हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 कामचोर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी रचयिता है इस्मत चुगताई जी, जिन्होंने एक कहानी में अपनी कहानी के अंदर एक समृद्धशाली जो परिवार है उसमें उद्यमी बच्चों का एक चित्रण किया है कि इतने सारे बच्चे एक परिवार में रहते हैं लेकिन फिर भी क्या है कि सब कामचोर कामचोर मतलब यानी कोई भी बच्चा हिलकर उठकर काम करना नहीं चाहता, यानी किसी तरह यानी पानी पीने के लिए भी इन्हें नौकरों का सहारा चाहिए होता है। तो इसमें जो परिवार के जो मुखिया रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि बच्चों की ऐसी स्थिति को देख कर क्या होते हैं, बहुत से झल्ला से जाते हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है बच्चों ऐसी स्थिति उनके सामने आ जाती है कि बच्चे इतने होते हुए भी कि कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी दूसरों के भरोसे बैठे हुए रहते हैं। तो उन्होंने बड़ा फैसला लेते हैं कि आखिर क्या करें, घर पे जितने नौकर हैं उनको निकाल कर उन बच्चों से ही क्या करवाया जाए, सारे काम करवाया जाए ताकि उन्हें काम की सीख भी दी जा सके। तो उनकी जो बिगड़ी हुई आदत है यानी कामचोर की, जैसा कि हम सामान्य तौर पर कामचोर किसको बोलते हैं, जो काम से क्या करता है, जी चुराता है, यानी किसी तरह का काम करना नहीं चाहता है, चाहे वह अपने लिए हो चाहे वह दूसरे के लिए हो। और आगे हम ये देखेंगे बच्चों की कैसी मनस्थिति होती है कि किसी काम को न करने की, यानी बच्चों में कभी लापरवाही कैसे गुण आ जाते हैं कि यानी वे किसी काम को बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, उनकी मानसिक स्थिति बना ली जाती है। तो परिवार के मुखिया जो है ना काम की सीख देने के लिए क्या उचित निर्णय लेते हैं कि यानी उन्हीं से घर का सारा काम कराया जाए, यानी जो नौकर उनकी जो सहायता करते थे उनसे सहायता भी ना देकर उनको घर से निकालने की। तो आइए कहानी के जरिए जानते हैं कि बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, यानी कि जो परिवार के मुखिया थे जन बड़े थे उन्होंने बड़े वाद विवाद के बाद तय किया कि सचमुच नौकरों को क्या कर दिया जाए, निकाल लिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे यानी जो घर में जितने बच्चे हैं तो काफ़ी उम्र में भी बड़े हैं, उम्र से मतलब है तो बचपन अवस्था में लेकिन काफ़ी दिखने में जो है काफ़ी मोटे मोटे नज़र आते हैं, हस्पुष्ट नज़र आते हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी देखिए इतने आलसपन है कि वो क्या कर रहे हैं, पानी भी नहीं पीना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, यानी स्वयं विवेक से जो कार्य होना चाहिए उसकी आदत इसमें होनी चाहिए। इसके लिए क्या कर रहे हैं, नौकरों को घर से निकाल देंगे। तो जब नौकर घर से निकल जाएंगे तो घर के सारे काम किन्हें करना पड़ेगा, घर के लोगों को। तो घर में जितने सारे बच्चे हैं आखिर वो जो है घर के बुजुर्ग कहते हैं कामचोर कहेंगे, यानी ये बच्चे जो हैं कोई भी काम नहीं करना चाहते, खा खा पी के घर पर बैठे बैठे क्या हो रहे हैं, बस मोटे मोटे यानी खा पी के मजे कर रहे हैं, कोई भी काम करके नहीं चाह रहे, इतना कि वह हिलकर पानी भी नहीं पीना चाहते हैं। तो आगे वह बताते हैं, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम का मतलब होता है मस्ती करना, कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, यानी नौकर से कहा कि तुम लोग कुछ भी नहीं, यहाँ पर इतने सारे हैं और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ काम करते नहीं हैं, दूसरा इन्हें कोई काम नहीं है, दिन भर मस्ती करना है और काम चोरी करना है, और सचमुच हमें ख्याल आए कि हम आखिर क्यों नहीं करते हैं, और हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब देखिए जो घर के बुजुर्ग थे उनका कहना मात्र था कि बच्चों को क्या की जाए, कार्य के बारे में सीख मिलने की चाहिए थे कि उन्हें बच्चों को कैसे क्या किया जाए, काम करवाया जाए कि बच्चे खुद अपना काम स्वयं करें, लेकिन यहाँ पर बच्चों को क्या ख्याल आते कि बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, यानी कि जो घर के बुजुर्ग में जो एक उदाहरण के तौर पर उन्हें कहा था कि आप तो हिल हिल कर पानी भी नहीं पी पाते, यानी पानी के लिए भी आपको नौकरों का सहारा चाहिए होता है, तो बच्चा ने कहा कि भाई काम करने में क्या खर्च, हम तो हिल हिल कर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए उन्होंने क्या करा था, हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया था, यानी एक दूसरे को धक्का मुक्के देकर जहाँ पानी है थोड़ा खिसक खिसक कर जाने लगे थे, और हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो नहीं, दबेल यानी किसी से दबाना, दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं, लीजिए पानी के मटके पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब देखिए हिल हिल कर यानी सब खिसक खिसक कर पानी की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कहीं ना किसी का धक्का मुक्के भी लगता है। अब ये कह रहे हैं कि हम किसी के दब्बे भी नहीं, यानी किसी के दबेल यानी किसी के दब्बू यानी किसी के दबकर भी नहीं रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, तो जैसे पानी के मटके के पास पहुँचते हैं तो उनमें युद्ध हो जाता है, युद्ध होते हैं लड़ाई मारपीट शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारे जो हैं हम बच्चों की जिन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, मस्ती खो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की क्या स्थिति हो रही है कि सब बच्चे जैसे जाते हैं जैसे उनका धक्का मुक्की लगना शुरू हो जाता है तो आपस में क्या हो जाता है कि वो मस्ती यानी उनकी मारपीट शुरू हो जाती है, मटके इधर गए कपड़े भीगे सो अलग, अब सुरैयाँ उधर लुढ़क गई, अब जो पानी पीने की जो जगह थी यानी पानी पीने के जो साधन थे अब उन पे क्या होने लगा है, वही वार पे वार किए जाने लगे, यानी सुरैयाँ जो थी वो लुढ़कने लगी थी, पानी के मटके जो थे वो इधर उधर गिरने लगे थे। अब इस दौरान क्या होता है कि जो मटकों से सुरैयों से जो पानी गिरा था वो उनके कपड़े से भीग गए,
ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। जो अम्मा थी वो ऐसी स्थिति देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे क्या काम करेंगे, जिनको पानी पीने के कारण ही क्या करना पड़ गया कि उन्होंने सुरैया मटकियों को ही तोड़फोड़ कर दी और उसका पानी भी सब क्या कर दिया, इधर उधर फेंक दिया। करेंगे कैसे, नहीं देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, हरगिज यानी उसे बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा। तो आगे जो बात कर रहे हैं कि जो घर के बुजुर्ग हैं, जो पुरुष और महिला हैं जिनकी बात चल रही है, तो जो माँ जानती है वो कहती है कि ये भला बच्चे कैसे काम करेंगे, क्योंकि इनकी स्थिति देख ली। एक काम इन्होंने आज खुद करने को कहा था कि खुद उठकर पानी पियेंगे, उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, सब तोड़ फोड़ कर दिया। लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, वो बच्चों को सीख तो देना ही चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि करेंगे कैसे, नहीं देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना भी हरगिज नहीं मिलेगा, यानी जो काम करेगा केवल उसे ही खाना मिलेगा, और जो काम नहीं करेगा उसे किसी भी तरीके से खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया था, जैसे राजा महाराजों का शाही फरमान जारी होता था कि जिसके बाद किसी का तर्क वितर्क करना ही बेकार होता था। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का शाही फरमान जारी हुआ था, हम काम करने को तैयार है, काम बताया जाए हमने दुहाई दी, यानी बच्चों ने कहा कि हम काम करने क्या हैं, तैयार हैं, हमें क्या दी जाए उसकी दुहाई, यानी काम बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में ये काम करवाए नहीं जाते, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। यानी बच्चों को कहा जा रहा है कि जो तुम ये काम करोगे इसके लिए तुमको क्या की जाएगी, तनख्वाह भी दी जाएगी। इन बच्चों को थोड़ा लालच भी दिया जा रहा है, यानी उनको काम करने के लिए आतुर किया जा रहा है। तो घर के बहुत सारे काम बता दिए हैं कि जो बच्चों के लायक हैं या बच्चे जो कर सकते हैं, यानी साफ सफाई भी है, पेड़ों को पानी देना भी है, कूड़ा करकट साफ भी करना है। अब्बा मियाँ ने, जो हमारे घर के बुजुर्ग है अब्बा मियाँ ने, कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो, यानी कि अब बच्चे घर में जो काम साफ सफाई करे उसके लिए तो भाई नौकरों को क्या दिया जाता है, मेहनताना दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है। अब उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों की अगर रखवाली करते हो, जैसे माली को तनख्वाह मिलती है, अगर बच्चे भी सब पानी डाले तो उससे आगे मतलब है कि आपको भी क्या मिलेगी, अगर इसके अगर ये काम भी आप करते हो तो इसके लिए भी आपको क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी बच्चों को थोड़ा क्या हुआ, तनख्वाह के मारे क्या हुआ, थोड़ा सा लालच उत्पन्न हुआ कि वह काम करने पर क्या हो गए, तुल गए, यानी काम पर जुट गए। एक दिन फर्शी दरी पर, यानी जो फर्श पे बिछाई जाने वाली दरी है, फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। जैसे हम कई बार स्कूली बच्चों में देखते थे कि दरियाँ बिछाई जाती थी, बच्चों को कहा जाता तो झटकाए कैसे थे, यानी चारों कोनों पकड़कर ऐसा धुआंधार जो मतलब, तो क्या होने लगे थे, उन्होंने झड़कना शुरू किया। दो चांद ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। यानी हम देखते हैं घर पे भी जब हमारे साफ सफाइयाँ होती है तो कभी ऐसे चद्दर या ऐसे कई सारी कंबल जो होती है उनको क्या किया जाता, लकड़ी से पिटा जाता ताकि उनके अंदर जमी हुई धूल को क्या किया जा सके, साफ किया जा सके। लेकिन यहाँ हम जिन बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, जिन बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सारे मस्ती हो रहे हैं, यानी ऐसी काम में भी क्या करेंगे, उनका जो करने का तरीका है वो बड़ा मज़ेदार आएगा। तो क्या करा बच्चों ने, जो फर्श वाली दरी थी उसको लेकर उसके चारों कोनों पकड़कर झड़कना शुरू किया, कुछ ने क्या करी, लकड़ियाँ लेकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारा घर धूल से अट गया, यानी पूरे घर में क्या फैल गई, धूल ही धूल फैल गई, कहाँ से सब बेदम हो गए। यानी करने का तरीका भी इतना बेकार था कि इस पूरे घर में उन्होंने क्या कर दी, धूल ही धूल कर दी। सारी धूल दरी पे थी, जो फर्श पर थी उसके सिरों पर जम गई, यानी किनारों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, वह हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं अब कि इतने सारी धूल मिट्टी उन्होंने घर में फैला दी काम करने के चक्कर में। यानी काम करना चाह रहे थे, मेहनत आना पाना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने जो काम करा, जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल गलत था। तो अब घर में बिल्कुल क्या फैल चुकी है, पूरा घर धुएं धुएं से भर गया, हर किसी के आंखों में जो है, नाकों में वो धूल की मिट्टी घुस रही है, जिनसे सबका ही क्या हो गया, बुरा बुरा हाल हो गया। उनको उस जगह से क्या, उस आंगन से क्या कर दिया, निकाल दिया गया। तो अब लोगों ने, अब जो हम लोग हैं यानी बच्चों ने निर्णय किया कि अब क्या करेंगे, फौरन झाड़ू लगाने का फैसला किया। अब आगे देखिए झाड़ू की भी क्या स्थिति कर देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में उन्होंने झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। तो देखिए रोचक स्थिति हो गई कि झाड़ू की भी क्या गत कर डाली बच्चों ने, कि एक झाड़ू में और बच्चों को तनख्वाह लेने के चक्कर में क्या, झाड़ू के पुर्जे पुर्जे निकले, जो सीखे थी सारी अलग अलग कर डाली। जितने सीखे जिसके हाथ पड़ी वही उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, अम्मा ने सिर पीट लिया।
भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अब उन्होंने जो स्थिति रखी थी यानी बुजुर्ग की तरह काम करने का, अगर ये ऐसे काम करे तो इंसान काम कर सकेगा, क्योंकि वैसी स्थिति में जैसे कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने दरी झड़काई थी यानी फर्श दरी जो थी उसको साफ किया था तो पूरे घर में धूल ही धूल कर दिया, यानी सब कुछ कर क्या कर दिया, मटमैला सा कर दिया, जबकि वो काम बड़े अच्छे तरीके से भी किया जा सकता था। अब झाड़ू लगाने की स्थिति में उन्होंने झाड़ू को क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, उसके पुर्जे पुर्जे को खोल दिया। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम, यानी ऐसी स्थिति में बीच बीच में अगर उन्हें बार बार काम के लिए किया जाए या टोका जाए तो अब काम ही होने लगा, यानी ऐसी स्थिति में तो किसी तरह से काम हो ही। आगे देते हैं, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब आगे की स्थिति और भी भयानक कर देते हैं बच्चे, बच्चों में आ जाता है जिक्र कि भाई चलो जो फर्श दरी को साफ कर रहे हैं तो उस कारण से क्या हो रही है, धूल उड़ती है, तो भाई पहले क्या कर लिया, थोड़ा सा पानी छिड़क दिया जाए। तो उन्होंने इतना पानी छिड़का कि जो मिट्टी धूल थी वो क्या बन गई, कीचड़ बन गई, यानी तो उस पर क्या इतना पानी छिड़क दिया गया तो पूरी तरह से कीचड़ बन गई। सब आंगन में ही निकाले गए थे, अब वो घर के आंगन में ही सारे काम हो रहे थे। ये हुआ कि पेड़ों को पानी दिया, यानी दो काम तो जो थे उन्होंने वो क्या कर दिए, पूरे एकदम से बेकार। अब था पेड़ों को पानी पिलाया जाए, बस सारे घर की बाल्टियाँ लोटे तसले भगोने पतीलियाँ लूट ली गई, यानी जो जो पानी भरने के पात्र थे वो सारे क्या कर लिए गए, लूट लिए गए, जहाँ जहाँ उन्हें हाथ लगा, क्योंकि पानी तनख्वाह सबको मिलनी थी तो समझिए तनख्वाह के लिए प्रयास कर लिया कि भाई हम पानी पिलाएंगे। अब देखिए नॉर्मली घर में जिसके होता है कि भाई गिनती की हमारी चीज़ें होती है, तो बाल्टियाँ जितनी थी तो ले ली, अब उसके बाद क्या जितने भी लोटे मिले भगोने मिले पतीलियाँ मिली वो सारी क्या ले ली, बच्चों ने अपने अपने हाथों में ले ली। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे कटोरे गिलास में ही ले भागे, यानी अब जिनको ये पात्र जो बड़े पात्र ना मिल पाए तो छोटे छोटे कटोरे गिलास में लेकर भागने लगे। अब सब लोग नल पर टूटे, यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके, तो यानी यहाँ पर भी इतनी छीना झपटी हो गई नल पे कि किसी दूसरे के पास वे पानी ना जा पाए। ठोसम ठास यानी सब अपने अपने बर्तनों को क्या करें, नल के नीचे लगाने की होड़ मचा रहे। किसी की बाल्टी पर पतीला है, किसी की पतीले पर लोटा है और भगोने डोंगे, पहले तो धक्के चलते हैं फिर कुहनियाँ चलती है, उसके बाद बर्तन। यानी जब ऐसी स्थिति हम देखते हैं तो यानी बच्चों ने काफ़ी एक जो है बदमाशी की जो है इस सर को पार कर रहे हैं, तो यानी देखिए धक्का मुक्की करने पर क्या कर रहे हैं कि पहले तो कुहनियों से मार रहे हैं, उसके बाद बर्तनों से एक दूसरे को मार रहे हैं। फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों मामों दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई, फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब यानी क्या किया गया, जितनों के हाथ लगे उन्होंने क्या कर लिया, अपनी चीज़ें तो ले गई, बाद में सब अपने बड़े जो बाल्टी यानी जिनके पास बाल्टी थे पतीले थे बर्तन थे सब वहाँ फेंक कर भाग चुके थे, क्योंकि अब जो बड़े घर के जो थे उन्होंने क्या कर बच्चों को समझाने या धमकाने के लिए जो पास आए थे उनको देखकर सारे क्या हो गए, जितने फौजी फौजी यानी जितने काम वाले जो बच्चे थे वो सारे क्या मैदान में हथियार फेंक कर भाग चुके थे। इस धिंगा मुस्ती में यानी जो धक्का मुक्की शरारती होती है मैं कुछ बच्चे की तड़ में भी लतफ हुए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए हुए चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए थे। अब देखिए बच्चों ने जो इतना सा काम किया था, इतने से काम में बच्चों की इतनी हालत बेकार हो गई थी, यानी उन्होंने जो कीचड़ घर में फैलाया था उस कीचड़ में इतने लतपत हो गए थे कि जो घर में जितने नौकर थे उनको उस हिसाब से उनको नहलाना या काम करवाना काफ़ी नहीं था। तो पास के बंगलों से जो नौकर बुलाए गए उनको चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से उनको नहलवाए गए थे, यानी बच्चों को साफ सुफ करवाया गया था। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। अब यानी इतने पागल हो गए इतने दीवाने हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपनी बस की, बच्चों ने ये सोचा कि ये जो सफाई काम होता है ये अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। अब आगे देखिए बच्चों के, बस शाम ही से ही जो बास चढ़ी हाथ बड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे थे। हाँकने से मतलब होता है कि जैसे गाय भैंसों को चराने जाते हैं तो उनको हाँकना बोलते हैं, यानी चराने को, तो यहाँ पे मुर्गियों को पकड़कर उनको पिंजरों में बंद करने के लिए उनको हाँकने लगे थे। चल दबड़े दबड़े यानी धीरे धीरे तो उनको चलाने लगे, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी थी। दो मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई थी। अब यानी मुर्गियों को यानी जब देखें कि मुर्गियों को पकड़ना भी आसान नहीं, क्योंकि मुर्गियाँ जो होती हैं काफ़ी उचक उचक कर बड़ी तेज़ी से फुर्ती से भागती रहती है, तो बच्चे उनको पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर भी मुर्गियाँ जो हैं कहाँ पर जो अंदर पड़े जो बर्तन हैं उन पर क्या करती है, कूद कर निकलती भागती सी नज़र आ रही है।
तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। यानी क्या हो गया, जिसकी प्याले में खीर पड़ी हुई थी वैसे वो मुर्गी जब उस पर झपट्टा मारा या उस पर ऊपर चक के जाती है, तब वह उसे लुढ़क कर कहाँ जाती है, जो काम दीदी के जो काम में आने वाले जो पट्टा है यानी वो जो दुपट्टा रखती थी उस पर लग जाती है और उनके धुले हुए सिर पर लग जाती है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। यानी बच्चों का देखिए काम करने का जो तरीका था कि लास्ट में उन्होंने निर्णय किया कि चलो मुर्गी को ही क्या कर दिया जाए, मुर्गियों को ही उसके पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गियों का काम भी उनसे हो नहीं पाता है और घर में क्या करते हैं सब तरफ अफरा तफरी मचा देते हैं। तो ये है हमारे यहाँ के जो बच्चे जो जिनका कहानी में जिक्र आ रहा है, यानी इतने शैतानी इतने बदमाशी जो बच्चे हैं। अब देखिए, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भीगी और सीधी जाकर मोरी में तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी, इतनी सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। यानी मुर्गे इसे देखे कि मुर्गी मुर्गियों को पकड़ने का कार्य लिया था वो भी इतना बेकार हो चुका था कि उन्होंने घर में सारे क्या कर दिए, मुर्गियों के द्वारा सारे तरफ कीचड़ या अस्त व्यवस्था फैला दी थी। तो ये है बच्चों के कामचोर होने का जो तरीका था, या बड़े जो घर ने उनको समझाने के लिए या काम करने का जो तरीका अपनाया था वह सब क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। अगले वीडियो में हम कहानी को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।